मोहिनी नमस्ते, स्वागत है खुशबू कुकिंग ब्लॉग में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे, तो हम भी अच्छा है। आज है नवरात्रि का पहला दिन, हैप्पी नवरात्रि। यूट्यूब फैमिली पे माता रानी अपना कृपा बनाए रखिए, सब पे अपना कृपा माता रानी बनाए रखिए। यहाँ देखिए मेरी बेटी, आज जैसे कि पहला दिन है, अभी तो स्नान नहीं किए हैं क्योंकि पूजा नहीं कर सकते हम, लेडीज वाला प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी बेटी पूजा, दोनों मेरी लक्ष्मी बेटी पूजा करेगी। एक ये है, हम लक्ष्मी बनेंगे दीदी। और बड़ी वाली जो है मार्केट गई है पूजा का सामान लाने के लिए। ये मेरा रैक देख रहे, तोड़ दी है दोनों रैक का, ये गेट तोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। इधर मेरा मंदिर है, अभी हम माता रानी को यहाँ जगह खाली देख रहे हैं, यहाँ पे स्थापित करेंगे। अभी यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, सजाएंगे, तो वो वीडियो आप लोग को पूरा दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए कि यहाँ पे स्थापित करेंगे सारा चीज, कैसे माता रानी को सजाएंगे, वहाँ पे बैठ स्थापित करेंगे, सब दिखाएंगे। पूरा घर में झोल हो गया है, तो वो गए हैं सामान लाने के लिए, वही झोल झाड़ने वाले झाड़ने के लिए। हाँ क्या लाने की? हाँ आप लोग भी आ जाइए, अम्मू बोल रही है आप लोग भी आ जाइए अम्मू के घर। क्या अम्मू? पूजा करने के लिए आप लोग भी आ जाइए, पूजा करने के लिए आप लोग भी आ जाइए। छोटी दुर्गा माँ बुला रही है, और इधर दीदी किचन में भीड़ी हुई है। दीदी को बोले दीदी डिब्बा पोछ दीजिए, क्योंकि आज से लहसुन प्याज और सारा चीज़ बंद हो जाएगा। साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, घर में माता रानी आ रही है तो घर में ज़रूरी है साफ़ सफाई करना। वैसे सबके घर में साफ सफाई हो रहा हो गया होगा क्योंकि माता रानी का आगमन है। सबके घर में कृपा बनाए रखे माता रानी, तभी सब चीज़ साफ सुथरा करेंगे, बेड उड बिछाएंगे, दूसरा झाड़ झूड करेंगे, उसके बाद ही लोग को स्नान करवाएंगे, हम भी करेंगे, तभी लोग पूजा करेगी, तो आप लोग को दिखाएंगे पूरा वीडियो। वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि दो माता रानी पूजा करेगी, छोटी वाली आज माता रानी का निमित हो गया है। झाड़ झूड़ थक गए हैं पूरा हम लोग, ये पूजा वाला बर्तन धो के आ गई है, अभी मार्केट से आ गई थी तो हम लोग झाड़ रहे थे, तो इसलिए नहीं बना पाए। पूजा का बर्तन सब धुला गया, झरा गया घर, अब सिर्फ पोछा लगेगा। ये लोग स्नान करेगी, उसके बाद माता को स्थापित करेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। अभी चलते नहाने स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को, अभी पंखा चल रहा है इसलिए उड़ रहा है, यहाँ पे बैठा है माता रानी को। अभी पूजा नहीं हुआ है और अच्छे से अभी करेंगे, ये लोग करेगी, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन इधर मंदिर पोछ रही यार भी, पोछ उछ लेगी उसके बाद जाएगी स्नान करने के लिए। उधर छोटी वाली मेरी दोनों लक्ष्मी भिड़ी हुई है भगवान को साफ करने में। हाँ पोछ दो सिर्फ, माता रानी सबके घर में खुशियाँ कृपा बनाए रखे। हे फैमिली, तभी हम स्नान करके आ गए, बाल धो के स्नान किए हैं देखिए, और दिखाते हैं मेरी बेटी पूजा कर रही है, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं पूजा, तो मेरी बेटी पूजा कर रही है, तो दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए आ रही पूजा कर रही है, आज लाल कपड़ा पहनना था तो आ रही लाल फ्रॉक पहनी है। छोटी माता रानी पूजा कर रही है, खुद माता रानी को, बच्चा तो ऐसे भगवान का रूप होता है। एक इधर रो रही है, इसको रसगुल्ला खाना है, मंगाए हैं चढ़ाने के लिए, तो करे बेटा 2 मिनट रुक जा, दीदी चढ़ाती है तब खाना, तो रो रही है। तो पूजा करिए, आप लोग को दिखा रही है, यहाँ सारा चीज लेके रखी हुई है आ रही। यहाँ पे दीप में तेल भर रही है, दो देखिए। एक छोटी बच्ची पूजा की है, जैसी आया उसको पूजा करने के लिए की है, यहाँ पर भी की है भगवान जी का पूरा। आप लोग भी भगवान जी का दर्शन कर लीजिए, माता रानी का। इधर भी पूजा कर ली है मंदिर में, इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा से पूजा की है, बहुत मतलब। हम
तो यहाँ पे हो चुका है पूजा। अब आरोही प्रसाद उतारेगी। आरोही इधर देखो, आरोही पूजा कर ली है। अम्मू आजा प्रणाम करो बेटू। तब ये छोटी माता रानी पूजा कर प्रणाम करिए दोनों हाथ से। ये तो रसगुल्ला खाने के लिए एकदम बेचैन है। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे पूजा हो चुका है। दोनों रसगुल्ला पकड़ी हुई है, दोनों माता रानी अब खाएगी, दोनों मेरी दोनों बेटी। तो हो गया ना पूजा अच्छा से? अरे पूरा पूजा अच्छा से की पूरा एकदम। दोनों को लाल लाल फ्रॉक पहनाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर और आई लव यू। मुमोरी ने लेते हैं। तो माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखिए। आज सबके घर में माता रानी का आगमन हुआ होगा। आप सब स्वागत।